हेलो वेलकम बैक मैं डॉक्टर डीपी सिंह जनरल फिजिशियन आज हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में जानेंगे हाइपरटेंशन क्या है हाइपरटेंशन क्यों होता है और हाइपरटेंशन के टाइप क्या है और हाइपरटेंशन के वजह से क्या क्या दिक्कतें होने की संभावनाएं हैं भविष्य में और इसको कैसे पता करें ये सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे आज सबसे पहले यह बात उठता है कि व्हाट इज हाइपरटेंशन हाइपरटेंशन है क्या तो हाइपरटेंशन इज अ कॉमन कंडीशन दैट अफेक्ट द बॉडी आर्टरीज हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन कंडीशंस है जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरी है स्पेशली आर्टरी वो प्रभावित होता है क्यों प्रभावित होता है तो हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है जिसकी वजह से अब ये बात हाइपर में ये हम लोग देखेंगे कि हाइपर होता क्यों है तो हाइपर होने के दो कारण हैं सबसे पहला हम लोग बात करते हैं कि एसेंशियल हाइपर जो एक टाइप है जिसमें कि हाइपर है लेकिन किसी तरह के कारण नहीं मौजूद है बिना किसी कारण के ही ये ब्लड प्रेशर हो जाता है और दूसरा है जिसको कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन तो वो एक ऐसी बीमारी है सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो दूसरे बीमारी के साथ वो लिंक होता है दूसरे बीमारी के साथ लिंक होने का मतलब ये कि हो सकता है कि आपको किडनी की कोई प्रॉब्लम समस्या हुई उसके बाद हाइपरटेंशन डेवलप हुआ हो आपको हाइपर हुआ उसके बाद से ब्लड प्रेशर बढ़ा हो आपको एड्रिनल ग्लैंड में ट्यूमर हुआ उसके बाद से हाइपोटेंशन डेवलप किया हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं या फिर आप कुछ ऐसे ड्रग ले रहे हैं जिसके लेने के बाद आपको हाइपरटेंशन डेवलप होता हो जैसे कोकिन्स है एम्फिटामाइन्स के ड्रग्स हैं ये सब लेने के बाद होता है तो ये सेकेंडरी कॉज से है सेकेंडरी हाइपर टेंशन से मतलब आपको हाइपरटेंशन नहीं था लेकिन इन सब बीमारी के कारण ये सब ड्रग के कारण आपको हाइपरटेंशन डेवलप हुआ है अब ये हम लोग देखते हैं कि अगर हाइपर होता है तो और भी क्या कारण हो सकते हैं किन किन लोगों में क्या लेने के कारण हाइपरटेंशन डेवलप करता है तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं इसके अलावे की ज्यादा स्ट्रेस में आपके जीवन रहता है तो भी आप हाइपरटेंशन के शिकार हो सकते हैं दूसरा है एक्सेस फैट इंटेक करते हैं फैटी चीजों का सेवन करते हैं जो आपके ब्लड वेसल्स में फैट जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जिसको बैड फैट कहते हैं या ट्राइगलसराइड की मात्रा है वो हमारे वेसल्स में जमा होने लगता है जिसके कारण से हाइपरटेंशन के हो सकते हैं या फिर एक्सेस इंटेक ऑफ साल्ट जो लोग ज्यादा तेज नमक खाते हैं उन लोगों में होने की संभावनाएं हैं या फिर स्मोकिंग करते हैं उन लोगों में होने की संभावनाएं हैं या फिर एल्कोहल कंज्यूम ज्यादा करते हैं उन लोगों में होने की संभावनाएं तो ये बहुत सारे कारण है जिसके वजह से आ, आपको हाइपरटेंशन हो सकता है अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो हम कैसे समझे कि हाइपरटेंशन है हाइपरटेंशन को कैसे पता किया जाता है तो हाइपरटेंशन को ब्लड प्रेशर जो हम लोग नापने की मशीन है जिसको एस्फिगमो मैनोमीटर्स कहते हैं उसके जरिए नापा जाता है हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है एक सौ बाई अस्सी एम एम ऑफ एच जी है इसको हम लोग इंडिकेट करते हैं मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी में इसको पता किया जाता है तो अगर किसी का ब्लड प्रेशर 120 सौ बीस है इसका मतलब वो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है अब ये बात करें कि अगर हाइपरटेंशन किसको कहते हैं फिर तो जब ब्लड प्रेशर हमारा 140 से 90 हो जाए तो ये हाइपरटेंशन की कैटेगरी में है और अगर इससे ऊपर है तो और भी ज़्यादा हम लोग मानते हैं कि सीवियर है किसी को हो सकता है कि 180 सौ अस्सी बाई एक हो जाए तो ये और ज्यादा सीवियर कंडीशन है दूसरी बात ये कि लो ब्लड प्रेशर क्या है बहुत सारे लोग कहते हैं कि लो ब्लड प्रेशर तो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी क्या है तो कहा कि अगर 90 बाई से नीचे है तो वो लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में मानते हैं अगर ब्लड प्रेशर 120 बाई अस्सी है उसको कहते हैं नॉर्मोटेंसिव अगर ब्लड प्रेशर्स 140 सौ नब्बे से एब है उसको कहते हैं हाइपरटेंसिव। और अगर वो ब्लड प्रेशर्स नब्बे से बाई 60 से नीचे है तो उसको कहते हैं हाइपोटेंसिव ये हाइपोटेंशन में है तो ये तीन कैटेगरी है जिससे हम लोग समझते हैं नॉर्मल एबनॉर्मल की बातें करते हैं कि क्या है अब ये बात करते हैं कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है वो कैसे रिप्रेजेंट करेगा उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे तो वो हाइपरटेंशन वाले लोग सबसे पहला हेडेक हेडेक, से कंप्लेन करते हैं। सर के पीछे में दर्द होता है दूसरी बात कि वो वर्टाइगो का सिम्टम देते हैं सर में चक्कर आने की संभावनाएं हो सकता है किसी किसी को चक्कर के साथ भी रिप्रेजेंट करता है और किसी को नेजल ब्लीडिंग के साथ इसलिए कि हमारे नेजल कैविटी में बहुत ही छोटे छोटे वेसल्स लगे होते हैं जिसके रेप्चर होने के चांसेस जाता है नेक्स्ट है कि कितनी लोगों में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के जरिए वो दिखाई दे सकता हो सकता है वो काम करते हैं बहुत जल्दी थक जाते हैं और उनकी सांस ज़्यादा तेज हो जाता है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकता है या फिर किन्हीं लोगों में पल्पिटेशन के जरिए जो दिल का जो धड़कन है वो बहुत तेज हो जाना पल्पिटेशन होने लगता है उनको ये पता चलने लगता है कि हमारा हार्ट बहुत तेजी से चल रहा है तो ये सब चीज़ें हैं जिसके जरिए पता होता है ये लक्षण है उन लोगों में आने लगता है जिन लोगों में ब्लड प्रेशर होता है अब ये बातें नेक्स्ट होता है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो क्या क्या होने की संभावनाएं हैं उनके साथ फ्यूचर में क्या समस्याएं हो सकता है क्या कॉम्प्लिकेशन करा सकता है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लीकेशंस हैं ब्लड प्रेशर के पहला कॉम्प्लिकेशन कहता है कि आपके विजन लॉस हो सकते हैं विजन लॉस होने का कारण ये है कि आपके जो आई के ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड सप्लाई कम हो रहा है जिसके कारण आपके आई के विजन जा सकता है दूसरा कारण हो सकता है हार्ट अटैक हो सकता है क्योंकि हार्ट के जो वेसल्स हैं उसमें भी ब्लड सप्लाई कम होने लगता है जिसके कारण चेस्ट पेंस और उसके बाद हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इसके बाद जो है कुछ लोगों में लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपोट्रॉफी हो जाता है हार्ट के जो लेफ़्ट वेंट्रिकल्स हैं हार्ट के चार चैम्बर्स होते हैं तो उसमें जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं वो वेंट्रिकल्स के साइज़ बड़ा हो जाता है क्योंकि बराबर जो प्रेशर्स लग रहा है प्रेशर के कारण वो धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है जो फीचर ऑफ द हार्ट फेलर की तरफ होने लगता है हार्ट फेलर की ये फीचर्स है हाई ब्लड प्रेशर के कारण कहा कि आपके किडनी भी खराब हो सकते हैं मान लीजिए किसी को पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब होने की संभावनाएं बढ़ जाता यहां है यहाँ किडनी के जो सप्लाई है वहाँ भी कम होने लगता है वेसल कंस्ट्रक्शन के कारण वेसल में कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन के कारण तो किडनी भी खराब होने की संभावनाएं हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है के साथ साथ में ब्रेन में के अंदर भी बहुत सारी समस्या हो सकता है जिसको ब्रेन स्ट्रॉक कहते हैं ब्रेन स्ट्रॉक में हो सकता है कि ब्रेन में ब्लड प्रेशर के कारण हैमरेज हो जाए है या ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं होने के कारण इन्फैक्ट हो जाता है ब्रेन का जिस एरिया में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है वो ब्रेन सूख जाता है और पेशेंट को पैरालिसिस मार देता है जिधर ब्रेन के साइड में ब्लड सप्लाई रुकता है ठीक उसके अपोजिट साइड बॉडी में वो लकवा ग्रसित हो जाता है जिसको पैरालिसिस के नाम से जानते हैं तो ब्लड प्रेशर से देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्या होने की संभावनाएं हैं इसीलिए ब्लड प्रेशर को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और संपर्क कर उसका सही जांच पड़ताल करना चाहिए जिससे ये पता चले कि ब्लड प्रेशर किन कारणों की वजह से है और उनका क्या प्रॉपर इलाज होना चाहिए मुझे आशा है कि जो मेरे द्वारा ब्लड प्रेशर की जानकारी दी गई है आप लोगों को पसंद आएगा और इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करते रहें सब्सक्राइब करते रहें और अगर ब्लड प्रेशर से संबंधित किसी तरह के कोई क्वेश्चंस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अब हम ये बात करेंगे कि इसको कैसे स्टेप बाई स्टेप इन्वेस्टिगेशन कराते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट पर भी बात करेंगे और मेडिकेशन पर भी बात करेंगे कि कैसे मैनेज किया तब तक के लिए धन्यवाद